बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काला शाह काकू से बोल रहा हूँ। इस वक्त तहरीक लबैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का जो नामूस रिसालत मार्च है उस पर शदीद शैलिंग की गई है, सीधी गोलियाँ बरसाई गई हैं। 10 से ज़्यादा हमारी शहादतें हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं और दर्जनों लोग वो हैं जो अपाहिज और मजबूर हो चुके हैं। इसके बावजूद रेंजर्स और पुलिस सीधी गोलियाँ बरसा रही है, आवाम बाहर निकल चुकी है पूरे पाकिस्तान से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आवाम और इदारों को लड़ाना चाहते हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम किया जाए। ये तो रसूलल्लाह की इज्जत के लिए लॉन्ग मार्च था जिसमें पैदल लोग चल रहे थे। कल 6 बजे से लेके अब तक इस पुर अमन मार्च पर इतनी गोलियां बरसाई गई और बल्कि हमें कहा गया कि यहां से आगे अगर कदम बढ़ाओगे तो आपको भून के रख दिया जाएगा और वैसे ही किया गया। अब तो मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये नाम भी ले सकते हैं। इसलिए होश के नाखून लें और पाकिस्तान को उस तरफ न धकेलें, इन पुरअमन लोगों को उस तरफ न धकेलें जिस तरफ हम जाना नहीं चाहते। ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।